क्या आप लोगों ने इस तरह से कभी भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना देखी है? मैंने तो कभी भी नहीं देखी है, लेकिन ये वीडियो मेरे पास आई हुई है। किसने दी है ये आपको पता चलेगा आगे। तो चलिए, आज का मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो राधे राधे, हर हर महादेव। तो ये है मतलब जहानाबाद, जहाँ पे मतलब मेरा ससुराल है। तो ये है वहाँ का, वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। तो इस स्थापना में मेरी मामी सास भी गई हुई थी, और मेरी मामी सास ने ही ये सारी क्लिप्स मुझे बना के दी है। उन्हें बहुत लगता है कि मेरी बहू को कोई भी वीडियो शूट करो तो मेरी बहू को मैं सेंड कर दूं। तो मेरी मामी सास ने ही ये सारी वीडियो मुझे सेंड की हुई थी, और देखिए उन्होंने मतलब इतनी भीड़ में भी ये सारी वीडियो बना ली हैं और अच्छे से बना ली हैं। तो देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की स्थापना होते हुए नहीं देखा है, और अगर मैं गई होती तो ये शुभ अवसर मुझे ज़रूर मिलता, लेकिन पता नहीं ऐसा कब होगा कि जब मैं अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखूंगी। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो मेरे पास आ चुकी है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने मामी से पूछा कैसे क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, और ये जहानाबाद के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। तो कहते हैं जब ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाती है, तो सबसे पहले तो इनकी आंखों पे या इनको इस तरह से ये पट्टी बांध देती हैं। उसके बाद में जो भी मतलब पूजन वूजन होता है वो किया जाता है। यहाँ पर गौरा जी और शिव जी की भी मूर्ति है, उनकी भी इसी तरह से पट्टी बांधी गई है आँखों में। और देखिए, पूजन वगैरह यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद में इनको गेहूं में दबा के रखना है। अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, शिव और पार्वती जी हैं, तो इनकी भी देखिए आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और ये, हाँ, ये कार्तिकेय, गजानन जी, ये सारे देवता हैं। और ये देखिए, शिवलिंग में भी सब पट्टियां बंधी हुई हैं ना, यहाँ पर इनके पूजन हो रहा है। उसके बाद में ये सारे शिवलिंग गेहूं से दबा दिए जाएंगे, और पूरा दिन गेहूं से दबे रहेंगे। फिर अगले दिन मतलब दूसरे दिन इनको पानी में डुबो के रखा जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे दिन मतलब उसके भी अगले दिन, तीसरे दिन फिर इनकी पूजा के लिए इनको मतलब स्थापित किया जाएगा। उस दिन इनकी स्थापना होगी, और उसके बाद से इनका पूजन वगैरह शुरू हो जाएगा। ज़्यादा मुझे नहीं पता है, डिटेल में तो नहीं इतना पता चला, लेकिन जितना मुझे मामी ने बताया उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। और मेरा मन किया कि ये वीडियो मेरी मामी ने इतनी मेहनत से बनाई है इतनी भीड़ में, तो मैं इसे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे क्या होता है। ये देखिए, ये अगला दिन है, पहले दिन गेहूं में दबा के रखे गए थे, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, अब इनको पानी में डुबो के रखा गया है। और आप लोगों को आज का वीडियो किसी भी रीज़न में पसंद आया हो ना, तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, शिव पार्वती की मूर्ति भी जल में ही इस तरह से डुबो के रखी गई है शिवलिंग के साथ में। जितनी भी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, गजानन जी की, कार्तिकेय जी की, सभी इस तरह से जल में डुबो कर रखी गई हैं। तो आज 2 दिन हो चुके हैं, और जो अब अगला दिन है इसके आने वाला, तो उसकी मुझे अभी भी कोई क्लिप आज मिली नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर ही कर देती हूँ। चलिए, हर हर महादेव, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर